का पहला सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका वजन 1 रुपए के सिक्के से भी कम होता है? आपके ऑप्शन है ए कोयल का, बी हमिंग बर्ड का, सी शुतुरमुर्ग का, डी कोमालिया पक्षी का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हमिंग बर्ड का। आपका दूसरा सवाल है, किस देश में इंटरनेट चलाना गैरकानूनी माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए तुर्की में, बी फ्रांस में, सी बर्मा में, डी वियतनाम में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बर्मा में। आपका तीसरा सवाल है, चांद तक पहुंचने में कितने दिन का समय लगता है? आपके ऑप्शन है ए 5 दिन का, बी 3 दिन का, सी 10 दिन का, डी 7 दिन का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 दिन का। आपका 4 नंबर सवाल है, भारत के किस शहर को प्यार का शहर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए आगरा को, बी दिल्ली को, सी बनारस को, डी मुंबई को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आगरा को। आपका 5 नंबर सवाल है, भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किस व्यक्ति का बना था? आपके ऑप्शन है ए अमित शाह, बी रंजना सोनवाने, सी निर्मला सीतारमण, डी सुमन चंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रंजना सोनवाने। आपका अगला सवाल है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी राहत इंदौरी, सी मिर्जा गालिब, डी फैज अहमद फैज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आपका अगला सवाल है, किस देश में कैदियों का जेल से भागना अपराध नहीं माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, डी तुर्की में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जर्मनी में। आपका 7 नंबर सवाल है, कौन सा पक्षी अपना अंडा दूसरे के घोंसले में जाकर देती है? आपके ऑप्शन है ए कोयल, बी शुतुरमुर्ग, सी कबूतर, डी मुर्गी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोयल। आपका 8 नंबर सवाल है, कहाँ के निवासी बर्फ के घरों में रहते हैं? आपके ऑप्शन है ए दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के, बी उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के, सी पश्चिमी ध्रुव क्षेत्र के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के। आपका अगला सवाल है, गरीब का संतरा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंगूर को, बी सेब को, सी टमाटर को, डी नींबू को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टमाटर को। आपका 10 नंबर सवाल है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? आपके ऑप्शन है ए 198 देश, बी 190 देश, सी 212 देश, डी 195 देश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 195 देश। दोस्तों, हम 10 प्रश्नों और उनके जवाब हल कर चुके हैं। आज के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी को, बी लाल बहादुर शास्त्री को, सी अटल बिहारी वाजपेयी को, डी सुभाष चंद्र बोस को।
जवाब होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री को। आपका 12 नंबर सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आपके ऑप्शन है ए 15 दिनों तक, बी 21 दिनों तक, सी 18 दिनों तक, डी 14 दिनों तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 18 दिनों तक। आपका 13 नंबर सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना रंग बदल सकता है? आपके ऑप्शन है ए कोमालिया, बी कोयल, सी शुतुरमुर्ग, डी हमिंगबर्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोमालिया। आपका 14 नंबर सवाल है, भारत से अलग होने वाला पहला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी भूटान, सी अफगानिस्तान, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। आपका 15 नंबर सवाल है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार, डी पांच बार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पांच बार। आपका अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आपका 17 नंबर सवाल है, किस जीव का सिर कट जाने के बाद भी हफ्तों दिनों तक जीवित रहता है? आपके ऑप्शन है ए बिल्ली, बी चूहा, सी कॉकरोच, डी मछली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कॉकरोच। आपका 18 नंबर सवाल है, लड़की की ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा गीली रहती है? आपके ऑप्शन है एक बाल, बी नाक, सी हाथ, डी जुबान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जुबान। आपका अगला सवाल है, कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? आपके ऑप्शन है ए हड्डी, बी बाल, सी नाखून, डी आंख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाखून। आपका 20 नंबर सवाल है, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कोसी नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।